आकिब की बदलेगा आकिब की ताया आज हम पी रहे हैं। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस आज के दिन की शुरुआत कर रहे हैं सीधा सुबह के ब्रेकफास्ट से। अभी अभी आंटी को हम ड्रॉप करके आए हैं, जैसे कि आपने कल के ब्लॉग में देख लिया होगा। बाकी गाइस अब मम्मा जो है हमारे लिए शेक बना रही हैं, आज तीनों का शेक बनने वाला है। और गाइस एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता दें कि हमारे ब्लॉग की रीच 2 दिन से रुक जा रही है, मतलब लोगों तक वो पहुंच नहीं रहा है। तो आप लोग सर्च करके देख लिया करो या फिर शेयर कर दिया करो ताकि उसके व्यूज ड्रॉप ना हो। जी बिल्कुल, इतना तो करें क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, मतलब ऐसे ही व्लॉग नहीं आ जाता है डेली, क्योंकि पूरा दिन काम करने के बाद फिर शूट, फिर आपको एंटरटेन करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आप लोग थोड़ा बहुत ये भी कर दिया करो, छुट्टी तो मनाते नहीं है एक भी दिन। यस, मेहनत करते हैं। बाकी मम्मा आप शेक बना रही हैं और आंटी जा चुकी हैं, तो बड़ा ही बुरा लग रहा है आज घर में। हालांकि रोज नहीं आती थी आंटी, आंटी नाना के घर पर रहते थे, लेकिन फिर भी फील हो रहा है नाना के घर पे। बाकी यहाँ पर मम्मा डाल रही है सामान, इसमें थोड़ी सी डाल रही है मम्मा इसमें कॉफी, कॉफी वाला टेस्ट आता है तो बड़ा मजा आता है। हमारे यहाँ तो बहुत गर्मी हो रही है, कुछ ना। आपके यहाँ पे कैसी गर्मी हो रही है ये बताएं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। हमारे यहाँ तो बहुत हो रही है। तो गाइस फाइनली शेक जो है वो बन चुका है यहाँ पर, लीजिए अपने अपने गिलास। ठीक है गाइस, आज आकिब नहीं है, आकिब के बिना नाश्ता हो रहा है। आकिब के बदले का आकिब की ताया आज हम पी रहे हैं, ये आपके बदले का है, ठीक है। वैसे तो ये चाय पी गए, चाय तो पापा के घर पे पी ली है। यस गाइस, तो ठीक है इसको पी लेते हैं फिर मुलाकात करते हैं आपसे। तो गाइस नाश्ते में हमने सिर्फ एक शेक का ग्लास लिया था, अभी मैं मम्मा से सिर्फ एक पराठा बनवा रहा हूँ अपने लिए। तो गाइस हमारी मम्मा ने एक पराठा जो है हमारे लिए रेडी कर दिया है, जो कि मैं खाऊंगा सॉस के साथ मीठी वाली। अंदर बैठ जाइए, थोड़ा सा पेट जो है सज जाएगा, फिर हम काम करते रहेंगे अपना। टाइम हो चुका है 12 बजने वाले हैं, अभी फिलहाल जस्ट अपलोड किया है ब्लॉग, और आज के ब्लॉग की भी रीच डाउन होने वाली है, उसके भी कमेंट ऑफ हो गए। तो हमारे साथ शेयर करा करें, 3 दिन से इतना वो हो रहा है, कैसे बताएं। शेयर कर दिया करो गाइस, आप लोग अगर देखते हो अपने मोहल्ले रिश्तेदारों में जो भी कॉन्टेक्ट हो एक दो को शेयर कर दिया करो, बता दिया करो हमारे बारे में, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं बर्बाद ना जाए। बाकी इसको खाते हैं और फिर निकलते हैं काम करने के लिए ऊपर। तो गाइस यहाँ पर हमारी सॉस जो है वो रख दी गई है, अब जल्दी से खाते हैं। तो पराठा कर दिया हमने फिनिश, अब मम्मा जो है अपनी सब्जी बनाएंगी। आज बन रही है हमारे घर पर भिंडी, जो कि मम्मा यहाँ पर बनाने के लिए तैयार है एकदम युद्ध लड़ने के लिए चूल्हे के साथ। बाकी अब हम स्टार्ट करेंगे अपना काम, मम्मा सब्जी बनाती रहेंगी और मैं ऊपर जाऊंगा ना, तो मैं ऊपर कुछ ठंडे फ्रूट ले जाता हूँ खाने के लिए, ताकि एनर्जी भी आती रहे, काम करने में मजा भी आए। ढका रहा है पेट भर गया, मुझे क्या करना है, पेट भर गया। गाइस यहाँ पर मैं अपने लिए तरबूज कट करवा कर ले जा रहा हूँ ऊपर, हौले हौले खाता रहूंगा वहाँ पर। तो गाइस हमारा तरबूज जो है रेडी है, ठीक है गाइस, तो अब इसको ले चलते हैं ऊपर। अब फाइनली मैं बैठूंगा अपने काम पर, और धूप बहुत तेज हो रखी है, अंदर रूम को ठंडा करते हैं चलकर। यहां से कर देते हैं अपने एसी को ऑन, इसको कर देते हैं ऑन, और अब अपना रूम जो है ठंडा होने के लिए तैयार है। बाकी अब मैं स्टार्ट करता हूं अपना काम, ठीक है। तो फिलहाल गाइज मैंने कैमरा वगैरह सेट कर दिया है, और मुझे अभी काफी तंगड़ा एक सेटअप लगाना पड़ेगा, मैं रील शूट करूंगा अपने इंस्टाग्राम के लिए। अभी रेगुलर मैं रील शूट कर रहा हूँ अपने इंस्टाग्राम के लिए, पर डे अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ वहां पर भी। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा तंगड़ा सेटअप लगाना पड़ेगा, और अभी टाइम हो रहा होगा दोपहर का टाइम हो रहा है, तो मतलब टाइम लग जाएगा, शाम हो जाएगी शूट वगैरह करते हुए, और वो फाइनल एडिट होकर वही मगरिब के टाइम तक भले ही चल पाए। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कबाड़ा मैंने फैला लिया है, और अभी जो है दोपहर के खाने का भी टाइम हो रहा है। वैसे भूख ज्यादा तेज लग नहीं रही है, लेकिन फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा आते हैं, नीचे जाकर थोड़ा सा खा आते हैं, फिर जल्दी से आकर वापस लग जाते हैं। धूप बहुत तेज हो रही है बाहर, आज लेट खाना खाया था, मन नहीं कर रहा है वैसे खाना, थोड़ा तो खा लो, थोड़ा खा लो, तो यहाँ पर खाना लग चुका है, थोड़ा बहुत ही खाऊंगा, ज्यादा नहीं खाऊंगा। बर्तन ले आए थे ऊपर से? नहीं बर्तन नहीं है, ये ढंग है, तभी तो हम कहते हैं नीचे खा लो जो भी खाना है, बर्तन ले जाते हैं वहाँ ऊपर ही से रहता है। तो ठीक है हमारी सब्जी निकल कर आ चुकी है, जल्दी से खा लेते हैं फिर जाना है काम पर, है ना अम्मा? बिल्कुल बेटा जाइए, हम खिलाने पे आप काम करने पे। तो फिलहाल गाइस मैंने एक रील का शूट मतलब कंप्लीट कर पाया है, अभी इसके अलावा मेरे यूट्यूब का शूट होना है, जिसकी स्क्रिप्ट तैयार रखी है मेरे पास,
तो काम तो काफी ज्यादा है फिलहाल। क्या है ना कि शाम का टाइम हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे जितने भी यहाँ पर प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, मुझे इस मंथ के जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाने हैं वो सारे के सारे यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, जिन पर मुझे काम करना है इस पूरे महीने में। और बाकी अभी थोड़ा सा मैं रेस्ट कर रहा हूँ। तो गाइस अभी फिलहाल मैं नीचे आया हूँ और नीचे मम्मा लगा रही है प्रेस। काफी सारे कपड़े हो गए हैं, मम्मा के ज्यादा लग रहे हैं वैसे। हमारी तो ज्यादा है, आप लोगों के नहीं है बिल्कुल। और गाइस अभी टाइम देख सकते हैं आप, 7:30 बजने वाले हैं, 5 ही मिनट कम है सिर्फ। और बताओ कहीं घूमने उमने जाना है? हाँ, चलो चलो रख रख। कूलर नहीं चला रही हो? अरे कूलर नहीं चला रहे हैं। तो गाइस आज के ब्लॉग को सोच रहे हैं यहीं पर एंड कर दिया जाए, क्योंकि आज का दिन जो है वो बिजी बिजी था। बाकी आप लोग अगर कमेंट नीचे देख रहे हो तो कमेंट कर देना, और कमेंट में आप आइडियाज देना हमको कि हम किस किस टाइप के ब्लॉग बनाएं। कोई आइडिया दो, कंटेंट आइडिया, चैलेंजेस वगैरह दो, तो उन चीजों में मजा आएगा करते पर हमको भी, है ना। तो आइडिया जरूर दे देना, चुप चुप होके मत देखा करो हमारा ब्लॉग। कुछ कहा करें हम सुना करें। बाकी मम्मा बहुत मेहनत पर हैं और हमने पूरा दिन मेहनत की है ऊपर। तो आज का दिन आपने देख लिया ऐसा रहा, जो चीज मैंने बताई वो चीज जरूर कर देना, कमेंट करना, अपने आइडिया शेयर करना किस चीजों को। यस, बाकी शेयर कर दिया करना अपने दोस्तों के साथ, और किस चीज पर आपको व्लॉग देखना है वो चीज बताना। तो मिलेंगे गाइस कल के नेक्स्ट व्लॉग में। ये अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कर देना, और चैनल पर नया आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलेंगे कल के नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक गाइस अल्लाह हाफिज़।